जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि यंत्र माला को चैतन्य क्यों किया जाता है, जागृत क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है जागृत करने की या फिर चैतन्य करने की, उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है यंत्र और माला को। तो इसी संबंध में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा और मैं बताऊंगा भी कि क्यों जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को अंत तक आपको देखना है, ठीक है, तभी आपकी समझ में भी आ पाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि क्या आपके अंदर प्राण है? जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर तो मिट्टी हो जाता है ना। आत्मा जो होती है, जो प्राण होते हैं, वो निकल करके चले जाते हैं। उस शरीर में कोई हरकत होती है? उस शरीर को घर पर रखे रखो और उससे कहो कि जा बेटा एक गिलास पानी लेकर के आ, या फलाने खड़ा हो पानी लेकर के आ, या मेरे लिए भोजन ला, या फलाना काम कर ले जा करके। तो क्या वो शरीर उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा। जब वो शरीर नहीं उठ पाएगा, क्यों नहीं उठ पाएगा? क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं है, उसमें चैतन्यता ही नहीं है, वो जागृत नहीं है, वो सिद्ध नहीं है। तभी तक हम भी, हमारे अंदर प्राण है तभी तक हमारे हाथ पर चल रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं। और दूसरा कि जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि ये शरीर भी सिर्फ हमारे प्राण ही होने से बात नहीं है, हमारा पूरा शरीर चैतन्य होना चाहिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं और गुरु द्वारा शक्तिपात किया जाता है या फिर गुरु मंत्र वो देते हैं, तो हमारा संपूर्ण शरीर गुरु के माध्यम से, गुरु की शक्तियों के माध्यम से, वो हमारे प्राणों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक चैतन्यता प्रवाहित करते हैं, जिससे कि चैतन्य पूरा शरीर हो जाता है हमारा। जो मंत्र, गुरु मंत्र हम जाप करते हैं, उससे हमारा शरीर जो है वो चैतन्य होता है। जो सुस्त अवस्था में, जो चीज़ें हमारे अंदर सुस्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिसको कि हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, जो कि सुस्त अवस्था में है, उस पर गुरु प्रहार करता है। जब उस पर प्रहार करता है, जैसे कि सोए हुए नाग को छेड़ा जाता है, जब सोए हुए नाग को जब छेड़ते हैं तो वह कैसे, मतलब इधर उधर हिलता है, ऐसे घूमता है, गुंजली मुंजली मारता है, वो चलता है तो एक लहर सी चलती है उसकी। इसी प्रकार से जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जब उस पर प्रहार किया जाता है, शक्ति के द्वारा उस पर प्रहार किया जाता है, तो फिर उसके अंदर हरकत होती है। उसी की वजह से हमें जो नीचे कमर की तरफ से जो ऊपर की तरफ, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास में, उनके कमेंट भी आए थे कि कमर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे कुछ लगता है जैसे कुछ ऊपर की तरफ चल रहा हो, या कुछ गरम गरम लग रहा हो, या यहाँ पर कुछ दर्द सा महसूस हो रहा हो, कुछ अजीब सा उनको रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर महसूस होता है। ये वही चीज़ होती है कि जो हमारे जो कुंडलिनी शक्ति है, उसमें 7 चक्र होते हैं और उन चक्रों में दल होते हैं, कमल दल होते हैं। अब खैर, पूरा तो इस वीडियो में मैं नहीं समझा पाऊंगा उस चीज़ को, उसके लिए फिर अलग से वीडियो मैं दूंगा। और प्रत्येक दल के जो पंखड़ी होती है, उसमें कई कई देवताओं का वास होता है, नेगेटिव शक्तियों का भी वास उसी में होता है। जहाँ सात्विक शक्तियाँ होती हैं, वहीं पर नेगेटिव शक्तियाँ भी हो जाती हैं। और जब सात्विक शक्ति
को जागृत होती है तो नेगेटिव शक्ति भी उसी के साथ जागृत हो जाती है। यही कारण होता है कि जब कोई हम साधना करते हैं तो उसमें नेगेटिव शक्तियों का आना शुरू हो जाता है, यही कारण है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरु उस कुंडलिनी शक्ति पर, जो कि चेतना है हमारी, उस चेतना पर प्रहार करता है और उसको उसको जागृत अवस्था में ला देता है, जागृत होने की अवस्था में लाता है। तो तभी तो हमें भी अनुभूति होना शुरू होती है, मंत्र सिद्ध होते हैं, शरीर हमारा जागृत होता है, शरीर के अंदर एक अलग प्रकार का जोश होता है, अलग प्रकार की शक्ति का संचार होता है। तो यंत्र और माला अगर वो जागृत नहीं है, उनमें प्राण ही नहीं है, सिद्ध वो नहीं है, तो फिर वो किस प्रकार से आपका कार्य करेंगे? उन पर मंत्र जाप करने से क्या फायदा होगा? तो इसलिए मंत्र जाप जो हम करते हैं, अगर हमारे सामने यंत्र प्राण प्रतिष्ठित, उसके अंदर प्राण है, उसके अंदर वो जागृत है, माला जिससे हम जाप कर रहे हैं वो जागृत है, उसके अंदर प्राणों का संचार है, तो हमें साधना की सफलता मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हमें बहुत जल्दी साधना में सफलता मिलती है। तो इसलिए यंत्र और माला को जागृत किया जाता है, और जागृत यंत्र और माला से ही आपको मंत्र जाप या साधना करनी चाहिए। अब इसमें मैं दूसरी चीज़ आपको और बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अजीब प्रकृति के हैं, अजीब जिनको बोलते हैं ना, मैं तो खैर अजीब ही बोलूँगा, वो अजीब प्रकृति के हैं, उनके कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पता नहीं वो क्या क्वेश्चन कर बैठे, कोई भरोसा नहीं है। तो इसका एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अगर आप मंदिर में मूर्तियाँ देखेंगे, किसी भी मंदिर में देख लेना, जहाँ पर नई मूर्ति का स्थापन होगा, मान लिया कोई मंदिर नया बनाया और जब मूर्ति का स्थापन होता है ना, तो मूर्ति ला करके ऐसे ही नहीं रख देते कि ये लो जी मूर्ति ला करके और बस रख दी और बस हो गई उसकी चालू पूजा करनी, ऐसे नहीं होता है। मूर्ति को ला करके रखेंगे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और काफ़ी टाइम लगता है, हवन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरे मंत्र जाप के साथ में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगर शिव का मंदिर है तो भगवान शिव के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होगी, अगर हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान मंत्रों से इस प्राण प्रतिष्ठा होगी, मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी उसकी। और जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं तो वो तो प्राण प्रतिष्ठा झटके में ही कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मूर्ति की पूजा भी अगर आप मंदिर में जा करके करते तो वो मूर्ति जागृत होती है, वो मूर्ति जो लगी होती है, जिनको हम मंदिर में जा करके दर्शन करते हैं, वो मूर्ति के अंदर प्राण होते हैं, जागृत होती हैं, वो सिद्ध मूर्तियां होती हैं। इसलिए अगर आप वहां पर जा करके कुछ भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर वहां पर याचना करते हो तो आपकी याचना स्वीकार होती है वहां पर और पूर्ण होती है आपकी जो भी मनोकामना होती है। क्यों पूर्ण होती है वो? इसीलिए तो, क्योंकि वो जागृत मूर्ति है, उसमें प्राण हैं, और जब उनमें प्राण हैं तो वो सुन रहे हैं आपकी बात को। तो इसलिए जो आप साधना करते हैं उन साधनाओं में यंत्र, माला, गुटिका, ये सब चीज़ें जो सामग्री होती हैं, ये प्राण प्रतिष्ठित की जाती हैं, और प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद ही उनका उपयोग हमें करना चाहिए। बहुत सी साधनाओं में दिया होता है, आपने कई पुस्तकों में भी पढ़ा होगा कि यंत्र और माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, पढ़ा होगा आपने कई उसमें। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि हमारे जो तंत्र शास्त्र की जो पुस्तकें हैं उनमें सिर्फ मंत्र दे दिया, इतने टाइम आपको जाप करना है, इतने मंत्रों का जाप करना है, बस इससे आगे कुछ नहीं,
नदी के पास बैठ जाना या शमशान में बैठ के करना और इतने मंत्रों का जाप करना, शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। बस ये सब चीज़ें होती हैं, इससे आगे कोई साधना का मतलब नहीं है, संपूर्ण साधना नहीं दी जाती उसमें। इसीलिए पुस्तकों से साधनाएं नहीं की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी पुस्तकों में साधनाओं को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। बहुत से ऐसे तांत्रिक हुए हैं जिन्होंने पुस्तकें निकाल दी अपनी, हालांकि वो हैं तो हमारे सब पुराने ग्रंथों में, क्योंकि तंत्र शास्त्र की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन सभी में उन मंत्रों का उल्लेख है, वहीं से उन्होंने लिया और अपनी नई पुस्तक बना दी, और उसमें अगर साबर मंत्र है तो थोड़ा सा चेंजिंग कर दी, थोड़ी सी चेंज कर दिया सिर्फ अपनी पुस्तक बेचने के लिए। अब उस स्थिति में अगर आप उस पुस्तक से मंत्र लेकर के और साधना करोगे, या तो भटक जाओगे या मारे जाओगे या मंत्र सिद्ध नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि पुस्तकों से मत करना, क्योंकि पुस्तकों में संपूर्ण विधि नहीं होती है। तो इसलिए आप जो भी साधना करो वो भली भांति सोच समझ करके और पूछ करके ही करें। और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र माला इन सभी से करें, क्योंकि अगर आप जिनके अंदर प्राण नहीं है, जिस माला के अंदर प्राण नहीं है, उसको बहुत लंबे टाइम तक आपको मंत्र जाप करना पड़ता है, तब वो जा करके कहीं सिद्ध हो पाती है। ठीक है, तो मैं जो मुझे जो बताना था वो मैंने इसीलिए आपको बताया है कि क्या इस विषय में कि भाई यंत्र और माला की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए और इन्हीं का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।